करके हम सालोटोरियस धर्म समाज के जितने भी धर्म भाई और बहने हैं सभी के लिए आज एक महत्वपूर्ण दिन है, और विशेष करके इस महत्वपूर्ण दिन को हम आज हमारे बेटा पल्ले में हम उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हम विशेष रूप से हमारे सालोटोरियस धर्म समाज के संस्थापक ब्लेसेड फ्रांसिस जोर्डन उनके नाम पर हम आज एकत्र हुए हैं, और विशेष करके आज हम उन्हें याद कर रहे हैं हमारे समक्ष, और विशेष रूप से हम आज आए हैं ताकि हम उनकी मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना कर सके। तो मैं हमारे संस्थापक ब्लेसेड फ्रांसिस जोर्डन उनके बारे में उनके जीवन की छोटी सी संक्षिप्त विवरण आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। ब्लेसेड फ्रांसिस जोर्डन का जन्म 16 जून 1848 में ग्रुटवेल जर्मनी में हुआ था, और इनके माता पिता का नाम था, इनके पिता का नाम था लॉरेंस जोर्डन और इनकी माता का नाम था लोरी बर्गर। जोर्डन के एक बड़े भाई थे और एक छोटे भाई थे, और इनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिता की मृत्यु काफी जल्दी हो जाती है, और जिसके कारण परिवार को गरीबी को देखना पड़ता है, और इसी गरीबी के कारण फ्रांसिस जोर्डन अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, और अपनी माँ और अपने भाइयों की का मदद करने के लिए वे यूरोप के विभिन्न देशों का पुनीत अभिषेक होता है, और पुनीत अभिषेक होने के बाद इस प्रकार से पॉलिटिकल सिचुएशन उस समय जर्मनी में थी, उसके कारण वह अपने गांव या अपने पारिस वापस नहीं जा पाता है, और ना ही वह अपना पहला विसा अपने गांव में या पारिस में कर पाता है, और वह अपनी इच्छा प्रकट करता है अपने विसर के पास कि उसे और अधिक पढ़ाई करनी है। और विशेष करके फ्रांसिस जोर्डन के पास परमेश्वर की कृपा से बहुत सारे लैंग्वेजेस को पढ़ने का उन्हें वरदान मिला था, तो उसी लैंग्वेजेस को पढ़ने के लिए वो परमिशन लेकर के रोम चले आते हैं, और रोम में अध्ययन करते समय वो अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि उन्हें मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में जाना है जहाँ यीशु मसीह ने अपना समय व्यतीत किया है, और वह परमिशन की उसे मिल जाती है, और परमिशन पाने के बाद वह मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में चले जाते हैं और वहाँ वे अध्ययन करते हैं, और अपने अध्ययन के दरमियान वह यह भी कोशिश करते हैं कि जहाँ कहीं भी यीशु मसीह अपना समय व्यतीत किए जा देता है उन सभी जगहों पर जाकर के वह प्रार्थना करें, और इसी दरमियान वह अपनी पैद इच्छा को प्रकट करते हैं और एक नए धर्म समाज की शुरुआत करने के लिए वह तैयारी करते हैं, और 8 दिसंबर 1881 को वह रोम में पहली बार फादरों के लिए धर्म समाज पिता और पुत्र पुत्रात्मा के नाम पर प्रभु यीशु क्राइस्ट की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पुत्रात्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। क्रिस्त में प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों, बेटे बेटियों, आज हम फ्रांसिस जोर्डन की याद कर रहे हैं। 15 मई 2021 सल्वातोरियंस के लिए एक विशेष दिन रहा, उसी की हम याद कर रहे हैं। आप सबको ज्ञात होगा कि किसी को संत बनाने के लिए 3 कदम होते हैं। मैं आपके सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने से अपने कसूर से
पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आत्मा के संग एक ईश्वर होकर
युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। अंदर है। इस पर अतिथि ने कहा,
मैं एक वर्ष के बाद फिर तुम्हारे पास आऊंगा। उस समय तक तुम्हारी पत्नी की एक पुत्र होगा। यह प्रभु की वाणी है। पेज नंबर 227। Yeah.
प्रभु आप लोगों के साथ हो। यीशु यात्रा करते करते एक गांव आए और मार्था नामक महिला ने अपने यहाँ उनका स्वागत किया। उसके मरियम नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती थी, परंतु मार्था सेवा सत्कार के अन्य कार्यों में व्यस्त थी। उसने पास आकर कहा, प्रभु क्या आप यहाँ ठीक समझते हैं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर छोड़ दिया है? उससे कहिए कि वह मेरी सहायता करे। प्रभु ने उत्तर दिया, मर्था मर्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वह उससे नहीं लिया जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। माता पिताओ, भाइयों बहनों, बेटे बेटियों, आज जब हम यहाँ पर इस पली में एक विशेष मतलब के लिए जमा हुए हैं, ईश्वर से विशेष प्रार्थना कर रहे हैं। और ईश्वर से प्रार्थना करने का तात्पर्य यह है कि हम इस पली में ईश्वर के साथ जीवन व्यतीत करें। आज के पहले पाठ में जिसको हमने उत्पत्ति ग्रंथ से सुना, इब्राहिम की कथा, और इब्राहिम को ईश्वर ने बुलावा दिया और उस बुलावे को सुनने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपना स्थान, अपना देश, सब कुछ छोड़ दिया। ईश्वर की बुलाहट को उसने स्वीकार किया, यानी सब कुछ ईश्वर के लिए देने को तैयार। दूसरे भाग में हम पाते हैं कि किस तरह से ईश्वर को वह आतिथ्य सत्कार देता है। जब ईश्वर उसके पास एक अतिथि के रूप में आते हैं, उनको किस तरह से वह स्वीकार करता है, किस तरह से वह उसको मानता है और किस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, यही बात पहले पार्ट में कहेंगे। दूसरे पार्ट में हम मेरा विश्वास किस मेरा ये
यहाँ एकत्र हुए हैं। आइए हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह समस्त संसार को अपने कृपा दानों से भर दे और संजीवन जल के झरनों से उसे सिंचित करे। बलिदान द्वारा पूर्णता तक पहुंच गए,
अपने सेवक सेविकाओं की यह बलि स्वीकार कर, जैसे तूने हाबिल की भेंट पर आशीष दी वैसे ही से भी पवित्र कर दे। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरे महिमा जो भेंट चढ़ाई है वह सबकी मुक्ति के लिए लाभप्रद हो, यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। शक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पति मानव का नव निर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए, अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए स्वर्ग दूतों व संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं।
किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस हमारे धर्माध्यक्ष फेलिक्स्टो को और सभी आज उनके साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वह धन्य जोसेफ, धन्य फ्रांसिस जॉर्डन, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा।
ने तुमसे कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अब मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, धन्य फ्रांसिस जोर्दन का पर्व दिवस मनाते हुए हमने अनंत मुक्ति के धरोहर प्राप्त किया है। यह अब और भावी जीवन में हमारे लिए सहायक सिद्ध हो। हे प्रभु, अपनी प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। तूने हमें स्वर्गीय संस्कारों से अनुप्राणित किया है, हमारा मार्गदर्शन कर ताकि हम पुरानी दासता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर सकें। यह वरदे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। और पुत्र पुत्रात्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग भी गाले मिस्सा संपन्न हुआ। Thank you.
के द्वारा वह अनेक भाई बहनों को प्रेरित कर ईश्वर की सेवा में बुलाए हैं। पिता हमारे द्वारा विशेषकर हमारे पंडित हे हमारे
सभी को माता कुछ चाहिए घूमिए प्रभु ने कहा